इस मस्ताने मौसम में हर कोई ट्रेकिंग को जा रहा है, पर ट्रेकिंग हमारे बस में कहा? खूबसूरत नज़ारे हम कैसे देखें? आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास है, बल्कि ये वीडियो इस सवाल का जवाब है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और जाने जवार के वनडे टूर के बारे में। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वेस्टर्न घाट के माथे पे बसा जवार हिल स्टेशन के रूप में मशहूर है और मुंबई से उसकी दूरी सिर्फ 140 किलोमीटर है। तो मुंबई वालों के लिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो यहाँ एक दिन की सैर कर घर लौटे। सबसे पहले हम रुक करते हैं दाबसा वाटरफॉल का। इस वाटरफॉल तक पहुंचने की रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। वाटरफॉल के पास जो गांव है उसका नाम है दाबसा और इसी कारण ये नाम वाटरफॉल का भी है। मुख्य रूप से आप यहाँ सभी जगह आदिवासी जनजातियां देख सकते हो जो अभी भी विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। जवार का अगर कोई बड़ा अट्रैक्शन है तो दाबसा वाटरफॉल है और सबसे पहले जवार आते ही हम दाबसा आ गए और 6 बजे निकले थे हम दादर से और अभी 11 बज गए, मतलब लगभग 5 घंटे लगे हमें। तो इसमें हमने ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया था और फ्यूल भरने के लिए भी रुके थे। तो अभी देखते हैं वाटरफॉल। फीट ऊंचाई से गिरता लेंडी नदी का ये जलप्रपात, हालांकि जब हम गए थे तब बारिश ने कुछ दिनों से छुट्टी ली हुई थी, वरना इसका रुद्र रूप इसकी ताकत दिखाता है। यहाँ पे आप आपकी व्हीकल्स पार्क कर सकते हो। यहाँ से ये व्यू पॉइंट है वाटरफॉल का। अगर आपको नीचे वाटरफॉल के बेस में जाना है तो यहाँ से अभी आगे चलना है। वाटरफॉल के बेस में जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद करके रखा है और ऊपर पुलिस हवलदार भी गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो पॉसिबल नहीं है, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई और यही रीज़न है कि कलेक्टर का ऑर्डर है तो इसके वजह से जाने नहीं दे रहे। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अगला हिरडपड़ा वाटरफॉल है वहाँ पर ट्राई करेंगे, लेकिन वहाँ पर बेस तक पहुँचना डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखते अभी कैसे क्या हो सकता है। ये रहा, यहाँ पे नोटिस लगाई हुई है और यहाँ से रास्ता था, एक्चुअली यहाँ से सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। कुछ आदेशों का सम्मान करना हमारे हित में है। हम आगे बढ़ते हैं हिरडपाड़ा वाटरफॉल के लिए। यहाँ पहुंचने के लिए छोटी सड़क से सफर करना पड़ता है। हम टेम्पो ट्रेवलर के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, पर किसी बड़ी बस का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। दाबसा वाटरफॉल के मुकाबले हिरडपाड़ा वाटरफॉल की तरफ काफी कम लोग आते हैं। बात भीड़ की ही हो रही है तो जवार इसके लिए भी खास बन जाता है कि कंपेयर टू अदर हिल स्टेशन पूरे जवार में आपको भीड़ कम मिलेगी। दाबसा के बाद हम हिरडपाड़ा वाटरफॉल आए। वैसे तो ये बिल्कुल आसपास वाटरफॉल है लेकिन फिर भी पूरे पहाड़ों के चक्कर लगा के आना पड़ता है यहाँ तक, और जिसमें 30 मिनट्स का टाइम लग जाता है। और ये देखो यहाँ पे ये फास्ट टावर है, इसके ऊपर चढ़ के आपको और अच्छे से व्यू मिल जाएगा। दाबसा सैलानियों में काफी पॉपुलर है, पर मैं पर्सनली हिरडपाड़ा वाटरफॉल को ज्यादा पसंद करता हूँ और इसीलिए ये जरूर कहूंगा कि जवार आओ तो डोंट मिस दिस प्लेस। अगर आपको नीचे जाना है तो थोड़ा सा पीछे आके इस तरफ चलना है, लेकिन दाबसा के बेस में पहुंचना जितना इजी है उतना ही डिफ़िकल्ट है इस वाटरफॉल के बेस तक पहुंचना।
फिर भी आपके पास टाइम है, समय है, तो आप जा सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, लेकिन आधे तक जाके मैं रिटर्न आ गया था। यहाँ से कुछ ऐसे जैसे दाबोसा में है वैसे ही स्टेप्स बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टीप है। इसके बेस तक पहुंचने का ट्रैक कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पर एक दिन में आपको यहाँ के सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं, इसलिए इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि आप इसके बेस तक जाकर आए। हम कुछ सीढ़ियां उतरकर वहां पे पहुंचते हैं जहां से वाटरफॉल को थोड़ा और करीब से देखा जा सकता है। इस नजारे को दिल के और करीब लाकर हम वापस ऊपर चल पड़ते हैं। अभी जवार का तीसरा पॉइंट हम कर रहे हैं, खड़कट डैम। नाम कुछ अजीब है। अपने होल्डिंग कैपेसिटी के मैक्सिमम लेवल को टच करने के बाद इस लेक का पानी इस वॉल से बहने लगता है, और बहने लगती है इसकी खूबसूरती भी। यहां से ऊपर चढ़ आप उस विशाल लेक को भी देख सकते हो। अब तक समय हो चुका होता है पेट पूजा का, तो अपने कदमों को हम यहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाल लेते हैं। खड़कट डैम के बाद हम आए लंच करने के लिए, और जवार में वैसे आपको लंच के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं, इक्का दुक्का ही ऑप्शन है। और ये देख सकते हैं आप शिवनेरी ढाबा। हमेशा जब भी हम यहाँ पर आते हैं यहीं पर लंच करते हैं, आपको अच्छा यहाँ पर टेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा। और अभी लंच के बाद हम जाएंगे जवार का जो पैलेस है वहाँ के लिए। और यहाँ से अब जब यहाँ पे लंच करोगे तो बिल्कुल इसके बगल से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से आप पैलेस तक पहुँच जाओगे। केशव प्लांटेशंस में इंटर कर हमारी पैदल सवारी चल पड़ती है जय विलास पैलेस की तरफ। ये महल कभी आलीशान था और गढ़ था मुकने राजघराने का। आज की तारीख में इनके वंशज पुणे में रहते हैं। पर्यटक यहाँ इसे बाहर से देख सकते हैं। फिलहाल इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये अभी हम पैलेस के बैक साइड आ गए, और यहाँ से जो पूरा व्यू दिख रहा है ना, ये इतनी ऊंचाई पे है पैलेस, और नीचे का पूरा जैसे वैली दिख रही है, बहुत ही शानदार। वन मिनट मोर, या आई विल डू दैट एज वेल, प्लीज टर्न अराउंड। यहाँ से हम आगे चल पड़ते हैं हनुमान पॉइंट की तरफ। यहाँ से डीप वैली का व्यू देखा जा सकता है। यहाँ के हनुमान मंदिर के कारण इस पॉइंट को हनुमान पॉइंट कहा जाता है। पांच सौ फीट की गहराई और 360 डिग्री व्यू। कई बेंच दिखेंगे आपको जहां बैठ कुदरत से आप गुप्तगु कर सकते हो।
अब हम आ जाते एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जिसका नाम है शिरपामाण। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी थी तब वो यहीं से गुजरे थे। तब के यहाँ के राजा विक्रम सिंह मुख ने उन्होंने यहीं पे छत्रपति से मुलाकात कर उनका सम्मान किया था। सबसे आखिर में हम चल पड़ते हैं सनसेट पॉइंट पे। मॉनसून में सनसेट देखना थोड़ा दुर्लभ ही है। वैसे भी ये जगह तंदुरुस्त नहीं लग रही थी, इसका काम चल रहा था, तो अगली बार आप यहाँ पे विजिट करो, इसे और खूबसूरत पा सकते हो। जवार के इन सारे मेन अट्रैक्शंस को हमने दिन भर में कवर किया। हम इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।